हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन हो तो उसको हम लोग किस तरह से पॉजिटिव करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव हो तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक आई वर्ड हुआ था। एक आई मतलब क्या हुआ था, इमेजिनरी नंबर्स हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आई इट मीन्स कि आयोटा होता है। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़े कि इसके बारे में सबसे पहले जो है यूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और प्लस इसके बारे में बहुत सारे जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक एंशियंट पार्ट को पढ़े कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से एक सिक्वेंस वे में आया। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो क्रमशः फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब फुल कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा तो अभी हम लोग जो है एक छोटा छोटा टॉपिक को उठाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बाद उसके थ्योरिटिकल पार्ट को चलेंगे। थ्योरिटिकल पार्ट में एक सिक्वेंस वे में हम लोग करेंगे, दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उसमें प्रूफ करेंगे कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कोई भी नंबर्स का जो है कंजुगेट पेयर क्या होता है या कंजुगेट से नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लस बहुत सारे ऑपरेशंस को भी पढ़ेंगे, दैट मीन्स कि एडिशन किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, डिवीजन किस तरह से करते हैं, और प्लस इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को जो कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या एडिटिव इनवर्स को पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक को उठाते हैं। इसके बाद जो है जो भी प्रॉब्लम आएगा, दैट मीन्स कि जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तब हम लोग जो है सिक्वेंस में जो है प्रीवियस क्वेश्चंस को भी बनाएंगे कि हम लोगों ने अभी तक कहां तक कॉन्सेप्ट को सीखा, और इसके अलावा जो है हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। देखिए हम लोग को जो पढ़ना है आज, पढ़ना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अस्थिर से समझिएगा, आराम से हम लोग धीरे धीरे अभी टॉपिक की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा फास्ट हो। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझिएगा, हम इसमें क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं। मानना क्या है, यूनिटी का मतलब वन होता है, क्यूब रूट है, रूट के अंदर थ्री दिए, इज इक्वल टू क्या मानते हैं एक्स। इस फॉर्म को हम लोग सर्च के रूप में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन पे पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स, रूट के अंदर इसके अंदर थ्री है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जैसे हम लोग क्यूब किए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूबिक करेंगे तो फिर से तीन तीन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर कितना होगा वन, इम्प्लाइड इट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए वन के साथ नहीं कुछ तो ये कितना है, बोले तो क्यूब है। तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फॉर्मूला होता है, हम ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही कर दिया, अंडर टेंथ स्टैंडर्ड के पहले ही पढ़े हैं। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, चलिए ए माइनस बी है, एक्स क्यू माइनस वन है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह एक्स इंटू वन प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चूंकि क्यूब रूट यूनिटी है तो ऑब्वियस है कि इसका तीन रूट होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं आइदर में चलते हैं, आइदर में क्या चलेंगे कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x का मान क्या हो जाएगा वन, एक रूट से मिल गया। और दूसरा देखिए सवाल में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्मेट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसमें कि हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सिंपल में ब्रेक हो जाए तो सही बात है, नहीं तो अदरवाइज जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ए के जगह कितना है वन है, बी के जगह वन है और सी के जगह भी क्या है वन है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बटे हम लोग क्या पढ़े हैं टू इंटू ए, टू ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो देयर फोर एक्स बराबर लिखेंगे क्या, माइनस वन प्लस माइनस क्योंकि बी के जगह वन है, अंडर रूट बी स्क्वायर है, बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इवन टू वन, अब बटे क्या लिखेंगे टू इंटू
ए लिखेंगे। तो अब वैसे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस माइनस, माइनस वन प्लस वन माइनस फोर, दैट इज कॉल कितना हो जाएगा माइनस थ्री, अब बटे कितना होगा टू, और एक जगह कितना है वन। अब देखिए यहाँ पे माइनस रूट थ्री हुआ, और हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, थ्री इंटू माइनस वन पहले लिख सकते हैं, अब बटे क्या लिखे टू, तो इम्प्लाई इट माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर थ्री माइनस वन को लिख सकते हैं आई स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, तो हम लिखेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर थ्री इंटू आई, अब बटे क्या लिखेंगे टू, ये लिख दिए। अब देखते हैं क्या इसमें टू रूट्स होता है, जैसे अल्फा बीटा पढ़े थे हम लोग, तो इसमें क्या होगा टू रूट्स, दैट इज एक रूट्स को हम लोग मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे चूंकि इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, तो एक रूट्स को हम ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा जो कभी कभी अल्फा को भी कंटेन करता है, अल्फा एक्चुअल में रियल पार्ट्स के लिए होता है, ओमेगा इमेजिनरी पार्ट्स के लिए, क्या लिखेंगे माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, अब बटे क्या लिखेंगे टू, और एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर किसको कंटेन करता है बीटा को, तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बटे टू। अब देखिए हम लोग चूंकि प्रीवियस चूंकि हम लोग क्या पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट मीन्स की तीन रूट्स चाहिए, तो तीन रूट्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज कॉल्ड रूट्स आर, पहला रूट्स निकाले हैं वन, दूसरा लिखे हैं ओमेगा, और तीसरा क्या लिखे हैं ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स की वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये थ्री रूट्स हो गए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसके बाद पुनः हम लोग जो है प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो चलिए अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, एक बार फिर से ध्यान में देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू एक्स है, तो वन पे बबल वन बाय थ्री इज इक्वल टू एक्स, माने इस एक्स को हटाने के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किए, तो ऑब्वियस है कि वन बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यू, एक्स क्यू इक्वल टू वन, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में तोड़ दिए, तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम ब्रेक किए तो एक एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आया, तो एक्स का मान क्या आया वन, और दूसरा आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा फॉर्म हो गया दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ए के जगह वन है, बी के जगह वन है, सी के जगह वन है, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे कितना होता है टू ए, तो एक्स माइनस बी, बी के जगह क्या लिखे माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, ये इंटू है वन इंटू वन बटे टू इंटू वन, इसके बाद हम लोगों ने वन माइनस फोर किए तो माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस वन थ्री इंटू आई स्क्वायर रूट थ्री इंटू आई, तो हम लोगों ने देखा कि रूट्स दो पढ़ लिए हैं, तो ये एक रूट्स को हम लोगों ने मान लिया ओमेगा जो कि कंटेन अल्फा को करता है दैट इज कॉल्ड माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बटे टू, एक्चुअल में ओमेगा इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी रूट्स है, और अल्फा जो है इसमें लेट एज्यूमिंग कर लिए और बीटा बराबर मान लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने तीन रूट्स निकाल लिए, क्या क्या निकालिए तो वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब ये रूट्स मेरा निकल गया कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ऑब्वियस है कि अब हम इसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि आखिर ओमेगा रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग चलिए एक प्रॉपर्टीज देखते हैं ओमेगा रूट्स यूनिटी का बेस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज इसके बेस पढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी, चूंकि हम लोगों ने भी तुरंत निकाला रूट्स वन ओमेगा और क्या निकाले हैं ओमेगा स्क्वायर, देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बोल रहा है क्या कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना होगा जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है जीरो, चलिए इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है एलएचएससी लेके चलते हैं कि वन प्लस ओमेगा के जगह भी क्या पढ़े हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बटे टू, और ओमेगा स्क्वायर क्या पढ़े हैं माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बटे टू, तो ऑब्वियस है ये टू मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम होगा, टू एलसीएम चल लेंगे यहां से गुना करेंगे तो टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई फिर माइनस वन माइनस रूट थ्री आई होगा, देखिए दो एलसीएम दिए यहां से मल्टीपल किए तो ये रूट थ्री ये कैंसिल हो गया टू माइनस टू हो गया बटे कितना टू माइनस वन माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया दैट मीन्स की जीरो बटे टू कितना हो गया जीरो, पहला प्रॉपर्टीज क्लियर। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं वन प्लस ओमेगा के जगह कितना है तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बटे टू, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर भी जस्ट पर है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बटे टू, एलसीएम लिए टू टू से मल्टीपल कर दिए टू प्लस माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अब माइनस वन दोनों कैंसिल हो गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू टू माइनस टू जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लियर।
इसी में देखिए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी अगर पढ़ना चाहें तो 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS में चलते हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा के जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बटे 2 इम्प्लाइड इज, 2 हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कितना रूट 3 आई, 2 में एक गया कितना बचेगा 1 प्लस रूट 3 आई बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, चूंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर प्रूव करना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे कितना हो गया 2, तो इम्प्लाइज लिख सकते हैं चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस रूट 3 आई को हम लोग क्या लिखेंगे बोले तो ओमेगा स्क्वायर। पहली बार क्लास में पढ़े, अभी जस्ट पढ़े हैं कि ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे 1। अब देखिए सिमिलरली जब थर्ड प्रॉपर्टीज में चलते हैं, 1 प्लस ओमेगा लिखे, सिमिलरली आप लोग जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे माइनस ओमेगा प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह को प्रूफ कैसे किया जाता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे क्या लिखेंगे 2, फिर मेरे पास एलसीएम क्या होगा 2, तो 2 माइनस 1 माइनस कितना हो गया रूट 3, 2 में से एक गया कितना बचा 1 माइनस रूट 3 आई बटे क्या लिखेंगे 2, फिर से इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 आई बाय हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा, तो क्या लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ओमेगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा, तो ये पढ़े कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़े कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़े 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब चलिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर से जो है हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज अभी चल रहा है, 3 तक हो गया प्रॉपर्टीज, तब इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, देखिए कितना इजी वे में हो जाएगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप को, जरूरी नहीं कि पूरा फास्ट में पढ़ा जाए, तो सिंपल तरीके से और इजी वे से जो आपको एकदम से पूरा कॉन्सेप्चुअली हो जाए। 3 तो 4 में चलेंगे क्या कि मान लेते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या प्रूव करना है माइनस 1। चलिए इस चीज को हम लोग प्रूव करने के लिए LHS में चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि ओमेगा का मान क्या होता है, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बटे 2, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे 2, एलसीएम कितना हो गया 2, 2 से अगर गुना करेंगे 2 तो एलसीएम ही हुआ, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 1 प्लस रूट 3 आई माइनस 1 माइनस रूट 3 आई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस रूट 3 आई माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अब बटे क्या लिखेंगे 2, ये कट के कितना हो गया तो माइनस 1 प्रूफ हो गया सिंपल। अब देखिए लास्ट पांच नंबर जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या है कि ओमेगा क्यू इज इक्वल टू क्या बोलता है 1, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस चीज को देखने के लिए ओमेगा क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का मान अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे क्या है 2, और देखिए ओमेगा का मान क्या है माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे 2 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 1। अब देखिए 2 इंटू 2 मेरा गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई माइनस 1, और यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है, तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स की माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा रूट 3 आई का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस रूट 3 आई मैंने क्या होगा 3 आई स्क्वायर बटे 4, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 आई स्क्वायर का मान माइनस 1 बटे 4, बगल में हम मेंशन कर देते हैं आई स्क्वायर का मान माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 बटे 4, इम्प्लाइज कितना होगा 4 बटे 4 कट के कितना हो गया 1। तो ये चीज हम लोगों ने आज पूरे प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जाने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है, फिर ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर कितना होता है तो माइनस 1 होता है, ओमेगा क्यू का मान कितना होता है दैट मीन्स क्यू 1। ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद चलिए अब हम लोग इस पे जो है कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, समस्या को करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से जो है इसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ में ऑब्वियस कि आ ही जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अभी थोड़ा सा एक बार मेंशन कर देते हैं कि ओमेगा क्यू एक पर है हम लोग 1, दूसरा पर है ओमेगा, तीसरा क्या पर है ओमेगा स्क्वायर, ये एक रूट्स है जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि ओमेगा का मान क्या होता है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बटे 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान क्या पर है माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बटे क्या पर है 2, जिसमें कि ओमेगा जो है वो अल्फा को कंटेंट कर रहा है
और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या करता है बीटा को कंडीशन। अब चलिए इस पे जो है कुछ है, अच्छे सवाल को ध्यान से देखिएगा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बेस्ट है तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पहले इस पे कर लेते हैं। अगर सवाल में लिखा रहेगा कि प्रूव दैट, क्या लिख रहा है कि प्रूव दैट, अगर कोई प्रॉब्लम है कि लिखा रहेगा क्या कि प्रूव दैट अगर अल्फा बाय बीटा, दैट मीन्स कि इफ यदि ये मेंशन है कि अल्फा बराबर माइनस वन प्लस रूट के अंदर माइनस थ्री बटे टू है, ये चीज दिया हुआ है और बीटा इक्वल टू यहाँ पे मेंशन है कितना तो माइनस वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट अंडर थ्री बटे इंटू टू है, तब कहता है क्या कि आप प्रूफ कीजिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए कि हमको क्या करना है प्रूफ करना है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा है, अल्फा इक्वल टू दिया है, ये मेंशन है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस कि अल्फा इक्वल टू कितना है माइनस वन, रूट के अंदर नेगेटिव है तो हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू क्या होगा आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री आई बटे टू। ये अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा क्या होता है ओमेगा, और सिमिलरली बीटा भी मेंशन है माइनस वन माइनस, इसको भी हम रूट थ्री आई लिख सकते हैं माइनस वन के अंदर बटे टू, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अल्फा है अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे ओमेगा, बीटा है बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस बीटा है बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, अल्फा है ओमेगा प्लस वन, तो ऑब्वियस है कि एक तो इससे कट जाएगा एक इससे कट गया तो वन बटे कितना हुआ ओमेगा, यहाँ पर क्या बचा ओमेगा प्लस वन, नीचे में ओमेगा कभी नहीं रहना चाहिए और अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है वन, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू बटे क्या होगा ओमेगा प्लस वन, तो इम्प्लाइज देयरफॉर कर सकते हैं एक कट जाएगा तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, इसको अरेंज कर दीजिए वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जीरो, प्रूफ हो गया है। तो बड़ा इजी वे में जो है ये सब सवाल हम लोग बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर इस बेस पे आता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जीरो, ओमेगा का ओमेगा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया और इसके बाद मान लेते हैं क्या कि ओमेगा क्यूब तक क्या इसका वैल्यू लिमिट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या बोलता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या यहीं तक लिमिट है, तो नहीं, इसके अलावा भी जो है ओमेगा का वैल्यू, देखिए ओमेगा क्यूब तक तो हम लोगों ने अभी सीख लिया कि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, क्या अगर मान लेते हैं सवाल में कि आपके पास दे दिया क्या ओमेगा पावर सिक्स इसका मान निकालना है या फिर ओमेगा पावर माइनस वन, इस तरह का वैल्यू अगर है ईटीसी तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार हम लोग आई के साथ कंडीशन पढ़े थे उसी प्रकार ओमेगा के साथ भी पढ़ेंगे। देखिए क्या अगर इफ पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा पे पावर अगर मैक्सिमम हो तीन से, मैक्सिमम किससे हो थ्री से, तो हम लोग क्या करते हैं थ्री से हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, तो पावर में डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर दैट मीन्स कि शेष अगर जीरो हो तो उसका रिजल्ट वन होगा, अगर रिमाइंडर वन हो तो ओमेगा और रिमाइंडर टू हो तो ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स कि अगर रिमाइंडर जीरो हो तो वन, रिमाइंडर वन हो तो ओमेगा और रिमाइंडर टू हो तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए इस चीज के बारे में देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया क्या कि फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 27, तो देखिए तीन से पावर अधिक है तो हम लोग तीन से भाग देंगे, थ्री इंटू नाइन कितना हुआ 27, एग्जैक्ट कट गया दैट मीन्स कि जीरो शेष बना तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, अगर बोल दिया ओमेगा पावर 6 तीन से हम लोग भाग देंगे तो शेष कितना बचा एग्जैक्ट जीरो हो गया इसका भी मान क्या होता है ओमेगा, अगर ओमेगा पे पावर 16 दें तो तीन से भाग लगाते हैं 3 5 15 कितना शेष बचता है एक बचता है तो एक बचेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा पावर 17 है 3 से भाग दीजिए तो 5 बार में एग्जैक्ट 5 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। और मान लीजिए कि ओमेगा की पावर अगर माइनस 1 हो जाए, नेगेटिव पावर हो, तो क्या नेगेटिव हम बताए थे कि कभी भी इमेजिनरी नंबर पे जो है पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिखेंगे ओमेगा,
और अभी जस्ट बोले कि नीचे में ओमेगा नहीं होनी चाहिए, तो 1/1 को हम लोग अभी जस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा, तो एफ से कट गया था, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया, कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर एक कट गया। अब देखिए कभी कभी सवाल में इस तरह अगर दे दे कि माइनस ओमेगा पे पावर 70, मान लीजिए ये प्रॉब्लम दे दे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पॉजिटिव कर लीजिए, 1/ωπ/70, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 × 5 = 50, 2 शेष बचा, तो 1/ क्या लिखेंगे, अगर 2 शेष बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, फिर देखिए बच गया ये ओमेगा स्क्वायर नीचे आ गया, इसको तो हटाना है, तो हम लोग 1 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब बटे ओमेगा स्क्वायर, एक कट गया था, क्या बचा, ओमेगा। अब इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको रिलेटेड आता है तो आप इजी वे में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, 1 ωω² 20। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेनी है तो लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है कि ये तो ओमेगा के बेस पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर स्क्वायर हो नेगेटिव पावर हो, और एक चीज लास्ट में हम लोग जो पढ़ते हैं कि अगर सवाल में रहे सीक्वेंस वे में कि ओमेगा पावर 71, ओमेगा पावर 72, ओमेगा पावर 73, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 0। इस चीज के बारे में हम आई पे पावर बताए थे कि अगर सीक्वेंस वे में आई पे पावर अगर लगातार हो 1, 2, 3, 4 तो हमेशा 0, और ओमेगा में मात्र 3 तक ही रोटेशन करेगा, तो हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार में, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा, 22 हो सकता है, नहीं 23 से भाग लगाते हैं, 23 में कटेगा, 23 जा कितना हुआ, 69, तो 2 शेष बचा, तो 2 शेष बचेगा तो क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ये 24 बार में एग्जैक्ट कट जाएगा तो 0 शेष बचा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये देखिए 24 बार में कटेगा तो 1 शेष बच जाएगा, कहेंगे 24 × 3 = 72, 1 बचा दिया, क्या लिखेंगे, ओमेगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो 1 + ωω² = क्या हो गया, 0। तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत अच्छे टॉपिक को पढ़ा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास हम लोग की होगी तो उसमें एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बेस, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा स्क्वायर इसको क्यूब रूट हो गया, इसके जस्ट बाद हम लोग जो है पढ़ना है क्या चीज़, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके जस्ट बाद स्क्वायर रूट होने के बाद इसके बाद हम लोग जो है फिर से सिक्वेंस से जो है इसके कुछ थ्योरिटिकल पार्ट को प्रूफ करेंगे, और थ्योरिटिकल पार्ट जैसे ही प्रूफ हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होगा कुछ प्रॉब्लम को अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ेंगे, और जस्ट इसके बाद पोलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, इसके जस्ट बाद जो है हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड पढ़ेंगे, फिर जाके कुछ यूलर्स फॉर्म को भी पढ़ेंगे, इसके बाद पुनः जो है कुछ एडवांस टॉपिक को भी पढ़ा जाएगा इसी चैप्टर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, और कुछ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम होगा उस चीज की समस्या को जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग एकदम से धैर्यपूर्वक बनाए रहें, सीक्वेंस वे में पढ़ते जाना है, कम कम ही पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से बाय सीक्वेंस रूप में, और अगर किसी को इसमें डाउट होती है, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सुनिए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए, अच्छे से पूर्वक कीजिए, और अगर कहीं समस्या में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके लिखिए, और अगर इसमें कुछ त्रुटि है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एक बार कीजिए, मैसेज कीजिए, उस चीज को त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर बनाइए, धन्यवाद, बजाए रखें, धन्यवाद, थैंक यू आज के लिए।